नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। अनंत चतुर्दशी स्पेशल। नमस्कार, जय श्री कृष्ण दर्शक मित्रों, राधे राधे। मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आपकी YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक विशेष जानकारी देने जा रहे हैं जो अनंत चतुर्दशी के विषय में है। बहुत सारे इसके बारे में कहानियां हैं और बहुत सारे पौराणिक बातें हैं। ऋषि की एक कहानी है, उनकी कन्या के हाथ में अनंत धागा बांधा गया और टूट गया। हम आपको जो बताने जा रहे हैं तो अनंत चतुर्दशी के विषय में। पहले भगवान विष्णु को यानी भगवान अनंत को हम वंदन करेंगे। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादांश शिशिरोरूपाहवे असहस्त्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। भगवान अनंत जो है उन्हीं की स्तुति है कि जिनके हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों नेत्र हैं और हजारों नाम हैं। ऐसे भगवान विष्णु के यानी अनंत के इन्हीं का पूजन अनंत चतुर्दशी के दिन करने का विधान है। इनके ही नाम से एक धागा बना के और बांधने का भी रिवाज है जिसे अनंत धागा के नाम से जाना जाता है। पुंडरीक ऋषि की कन्या की बात आती है कहानी में, लेकिन इसका मूल अर्थ क्या है? अनंत चतुर्दशी का व्रत हमें क्यों करना चाहिए? अनंत दशी में भगवान की पूजा क्यों करनी है? यह पर्व क्यों मनाया जाता है? यह हमारे सनातन धर्म में और जैन धर्म में भी इस पर्व का विशेष महत्व है। जैन धर्म में इसको बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है, बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और हमारे जो सनातन धर्म में भी इसमें भी बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। मित्रों, इसके पीछे की जो कहानी है यह है कि भगवान विष्णु ने सोचा कि हम शिव की आराधना करें और भगवान ने शिव की आराधना करना शुरू किया तो उन्होंने सोचा कि जब पूरी आराधना हो गई भगवान की, 1000 दिनों की कुछ आराधना थी तो उसमें उनका ये नियम था कि 1000 कमल पुष्प चढ़ाना था। भगवान ने बिल्कुल 999 दिन तक कंप्लीट वह कमल पुष्प चढ़ाया। जब 1000वें दिनों पूजा के क्रम में बैठे तो उस समय उनके कमल पुष्प तो हजारियों लाए थे गिन के, लेकिन उसमें से एक कमल पुष्प भगवान शिव ने निकाल दिया परीक्षा के लिए। जब भगवान ने वो कमल पुष्प निकाल लिया तो उन्होंने गिना तो 999 हुए, तो विचार करने लगे वो उठ नहीं सकते थे क्योंकि उस जो साधना होती है उसमें उठा नहीं जाता। हमारी इच्छा हुई मोबाइल उठा लिए, हमारी इच्छा हुई कोई बात कर दिए, ऐसा नहीं होता। इसलिए भगवान ने सोचा क्या कि भाई हम भगवान शिव की पूजा तो कर रहे हैं लेकिन अब भगवान को कैसे, इनको 1000 हमने जो वचन दिया मेरा वचन पूरा होगा या मेरा व्रत टूटेगा। तब उन्होंने सोचा कि लोग हमको हमारे जो 1000 नाम है उनमें एक कमल नयन नाम भी है। कमल का मतलब हुआ कमल जैसी जिनकी आंखें हैं, कमल की पखड़ियों जैसी जिसकी आंख है, तो क्यों ना मैं ये आंख भगवान शिव को अर्पित कर दूं। ये भी तो कमल नयन है ना, हम भी तो कमल नयन है तो हमारी आंख भी कमल हुई। ऐसी एक परिभाषा करके भगवान ने अपनी आंख को निकाला और भगवान शिव पर रख दिया। तब भगवान ने वो कमल पुष्प भी उनको दिया और इसीलिए भगवान पद्म रखते हैं अपने हाथ, शंख चक्र गदा पद्म धारण है। वो कमल पुष्प भगवान को दे दिया और भगवान की आंख तो थी ही, वो ईश्वर थे, कोई ऐसा तो था नहीं, लेकिन शिव ने उनको बोल दिया कि विश्व में पूजित होंगे। अनंत चतुर्दशी के दिन जो कोई भी आपका ये व्रत करेगा, इस दिन आपकी पूजा करेगा, सहस्त्र नाम का पाठ करेगा, तो गोपाल सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है, इनके पाठ करेंगे और खास तौर पर शिव का अभिषेक करके, और अगर विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम के अगर पाठ किए जाएंगे तो उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण भोजन कराना, दान देना ये अलग है और इस दिन आप एक अच्छा धागा बनाकर
और अनंत भगवान को चढ़ा के यानी भगवान विष्णु को चढ़ा के अगर पहनते हो तो आपकी सभी रीत से रक्षा होती है। तो दर्शक मित्रों, यह अनंत पर्व का जो अनंत चतुर्दशी का पर्व है, इसलिए इसे भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि आती है उस दिन यह पर्व मनाया जाता है। भगवान विष्णु का पूजन, अर्चन, अभिषेक, तुलसी तल इत्यादि रूप चढ़ाकर पूजा की जाती है। विशेषतः कमल पुष्पों से पूजा करने का विशेष विधान बताया गया है। तो चलिए दर्शक मित्रों, समय हुआ इजाजत लेने का, मिलेंगे फिर कल नए विषय के साथ। नमस्कार। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। सीमा भट्टाचार्य मुख्य संपादक। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज। नजर रखिएगा उज्जवल भारत न्यूज पर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय जय गांधी। गुजरात। नमस्कार।